दोस्तों, कोरोना के संकट से आज पूरी दुनिया जूझ रही है। परिस्थितियां गंभीर होने के चलते लॉकडाउन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हम सभी ने देखा मजदूरों का सैकड़ों किलोमीटर पैदल चले जाना। जो मजदूर भाई हमारे समाज का निर्माण करते हैं, अपना खून पसीना बहाकर ये समाज बनाते हैं, वो आज मजबूर हो चुके हैं। साथियों, ऐसी परिस्थितियों में हमको एक दूसरों का साथ देना जरूरी बनता है। लोकायत ने पिछले कई दिनों से आर्थिक सहयोग अपील करते हुए अभियान चलाया। इस राहत अभियान के तहत पुणे के मार्केट यार्ड की अंबेडकर नगर बस्ती, गुल टेकड़ी की इंदिरा नगर बस्ती, येरवाड़ा की यशवंत नगर बस्ती, मोमिनपुरा, कासेवाड़ी, नानापेट, कामगार वसाहत, इन इलाकों में कुल 400 से ज्यादा लोगों तक रेशन पहुंचाया गया है। पुणे के बाकी बस्तियों में भी रेशन किट बांटने का नियोजन चल रहा है। इसके साथ साथ केशव नगर और खराड़ी में 50 स्थानांतरित मजदूर, जिन्हें वैसे तो महाराष्ट्र की रेशन व्यवस्था के अंतर्गत रेशन नहीं मिलता, उन्हें भी हमने रेशन पहुंचाया है। इसके अलावा लोहिया नगर की मोहम्मदिया मस्जिद एक कम्युनिटी किचन चलाती है। हमने ये मस्जिद से, मोहम्मदिया मस्जिद से ये एक अभियान चालू किया है। जैसे कि हम आप देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि हम यहाँ पर रोज दो टाइम खाना बना रहे और दोपहर में 400 डब्बे और शाम में 450 डब्बे, ये हम हर गरीब को के घर पे जाकर दे रहे। और बाकायदा हमने सर्वे किया है कि कौन गरीब है जिसके घर में कोई रॉकेल गैस या अनाज नहीं है। ऐसा हम ना जात पात कुछ नहीं देखते हुए हम ये आज 24 दिन से लगातार कर रहे हैं। और हमारी यही अपील है कि हर एरिया में हर मस्जिद से ऐसा काम हो, हर मंदिर से ऐसा काम हो, जाते जापे ना जात ना पात देखा जाए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज तक हमने 450 किट बांटे और उसमें हमने ना ही जात देखी है ना कोई धर्म देखा है। इनके प्रयास को सहयोग के बतर 20,000 रुपए दिए गए। इसके अलावा पीला और केश रेशन कार्ड धारक परिवारों को कितना रेशन मिलना चाहिए, ये ऑनलाइन समझने के लिए हमने एक वीडियो भी बनाया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। दोस्तों, हम सब जानते ही हैं रेशन व्यवस्था की हालत कितनी खस्ता खा चुकी है। मिसाल के तौर पर ऑनलाइन देखने पर तो ये समझ में आता है कि सरकार ने हमारा रेशन सरकारी दुकानों तक पहुंचा दिया है, लेकिन वाकई देखने पर हमें कम रेशन मिलता है या मिलता ही नहीं। रेशन के बारे में लोगों की शिकायतें और समस्याओं का हल निकालने के लिए हम सरकारी अधिकारियों का फॉलोअप भी ले रहे हैं, तब तक जब तक उन्हें रेशन नहीं मिलता। दोस्तों, परिस्थिति दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। हम जितना राहत का काम कर रहे हैं वो काफी नहीं है, जितना रेशन किट लोगों तक पहुंचा रहे हैं वो काफी नहीं है। इसलिए हमको और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक राहत देने के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन की जरूरत है। हम आपसे अपील करते हैं, आपसे जितना बन पड़े उतना कॉन्ट्रीब्यूशन लोकायत को दे। मेहनतों के बीच वो दिए है हमने, हरियाली चुनरी ओढ़कर तू भी तैयार हो जा। धन्यवाद।